अभी नामकरण हुआ, तो ये सब सोच लीजिए, ये सब बात हुआ तो उनको परेशानी किया, और उसके बाद उसी समय वो नया मिट्टी किए हैं। आपको पता है कब बना था? कब बना था? श्रद्धेय अटल जी के टाइम में बना, 19 में हम लोग साथ में थे, और उस समय बना, उस समय मीटिंग होती थी, हम लोग साथ में थे। आई बताइए तो पिछले वर्षों से कभी मीटिंग किए हैं? हम लोग तो फिर वापिस आ गए थे उन लोगों के साथ 17 में, तो 17 से लेकर के हर बात में कभी मीटिंग किए? तो अभी अपोजिशन ने चुकी बना दिया और मीटिंग शुरू किया, तो वो घबराहट में आ गए हैं, तो वो मीटिंग कर रहे हैं, ले रहे हैं पार्टी का, जरा कोई जानता है कितने तरह का नाम ऐसे ही ले रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूँ प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव 2024 में भले ही अभी कुछ महीनों का समय शेष हो, लेकिन देश में चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, इन दोनों के बीच अब अगले लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा, यानी कि एनडीए जीतेगा या इंडिया जीतेगा, इसे लेकर के बड़े बड़े दावे किए जाने लगे हैं। और इसी क्रम में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती देते हुए बताया है कि आप जिस एनडीए की बात कर रहे हैं वह एनडीए तो कब का खत्म हो चुका है। दरअसल खत्म होने की बातें इसलिए उन्होंने की है क्योंकि उन्होंने बताया है कि एनडीए की शुरुआत तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुई थी, और जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं तब से तो वो एनडीए को भूल चुके थे, लेकिन देश में जब विपक्षी एकता के लिए नीतीश ने पहल की और विपक्ष के कई दलों को जोड़ करके अब इंडिया नाम का एक गठबंधन बना है, तो उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं। दरअसल आज एक कार्यक्रम में पहुंचे नीतीश कुमार से जब संवाददाताओं ने यह पूछा कि देश में क्या इंडिया से एनडीए को चुनौती मिलेगी, तो इसी को लेकर के नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि एनडीए तो कब का खत्म हो चुका है। एनडीए तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में था, लेकिन ये अब इंडिया के गठन के बाद से घबराए हुए हैं, और उसी घबराहट का नतीजा है कि पिछले 9 वर्षों में पहली बार यह ऐसा मौका सामने आया है जब 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बैठक बुलाई गई और उसमें भी वैसे वैसे दल शामिल हुए जिन दलों को कोई जानता भी नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि जो इंडिया का गठन हुआ है उस इंडिया के गठन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद घबराए हुए हैं, इसी का नतीजा है कि वे अब इंडिया को लेकर के अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। दरअसल एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने इंडिया को लेकर के यहां तक कहा था कि देश में अगर कोई गठबंधन इंडिया नाम रख ले तो इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत ने तो वह समय भी देखा है जब देश में ईस्ट इंडिया नाम की एक कंपनी आई और उसने भारत में ब्रिटिशों का शासन लागू कर दिया। आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया शब्द जुड़ा हुआ है, तो अगर कोई अपना नए नाम के साथ इंडिया जोड़ ले तो इससे यह नहीं समझना चाहिए कि देश के लोग उस इंडिया के साथ चलेंगे। तो आज पीएम मोदी को उन्हीं के शब्दों में, एक तरीके से कहें तो उन्हीं के लहजे में करारा जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी के लिए नीतीश कुमार ने कहा है कि वे घबरा गए हैं इंडिया के गठन के बाद, और उसी का नतीजा है कि वे अब एनडीए की बैठक बुला रहे हैं, और एनडीए के साथ जो है वह एनडीए अगले चुनाव में इंडिया के सामने कहीं भी नहीं टिकेगा। आप सुनिए पूरी बात कि आज नीतीश कुमार ने पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के क्या कुछ कहा। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन मुजाहिद ग्रुप से कंपेयर कर दिया सर। अब आप सोच लीजिए जो हम लगे हुए थे इतना दिन, पटना में मीटिंग, फिर वहाँ मीटिंग हुई, सब बात हो गया, उसका नामकरण तय हो गया, ये सब तय हो गया। अब उसके बाद आगे तय करेंगे हम लोगों को, आगे और बाकी चीजें होंगी, तो इस तरह से अभी तो मीटिंग और चलती रहेगी और बहुत तेजी से। हमारा सुझाव है कि जल्दी से जल्दी एक एक चीज को बात कर लेना चाहिए, कौन कहाँ लड़ेगा और एक एक चीज तय होगा, जो पॉलिसी हम लोग बनाएंगे आगे, जो कुछ भी देश के हित में काम करेंगे तो सब एक एक चीज पर बात होगी। अभी नामकरण हुआ तो ये सब सोच लीजिए, ये सब बात हुआ तो उनको परेशानी किया, और उसके बाद उसी समय वो नया मीटिंग किए हैं। आपको पता है कब बना था? कब बना था? श्रद्धेय अटल जी के टाइम में बना, 19 में हम लोग साथ में थे, और उस समय बना, उस समय मीटिंग होती थी, हम लोग साथ में थे। आई बताइए तो पिछले वर्षों से कभी मीटिंग किए हैं?
हम लोग तो फिर वापिस आ गए थे उन लोगों के साथ 17 में कभी मीटिंग की है तो अभी अपोजिशन ने चुकी बना दिया और मीटिंग शुरू किया तो वो घबराहट में आ गए हैं तो वो मीटिंग कर रहे हैं ले रहे हैं पार्टी का जरा कोई जानता है कितने तरह का नाम ऐसे ही ले रहे हैं नाश्ता करते हैं उन्होंने कहा आए ना जी हम लोग आप लोगों को रखे थे जब यहाँ पटना में मीटिंग हुई थी हम आपने सब लोगों को बुलाए सैकड़ों से भी ज्यादा पत्रकार थे और सब पार्टी के लोग बैठे और उसी तरह से वहाँ था वहाँ तो हम तो कह दिए थे चूंकि बात हो गई So, उन्होंने कहा कि बड़े बड़े घोटालेबाज हैं इस इंडिया में बड़े बड़े घोटालेबाज हैं सब भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं। अरे भाई अब इतना लोग एकजुट हो रहा है कि जो लोग भारत के सब कुछ को इतिहास को बदलना चाहते हैं अब इतिहास नहीं बदलेगा आजादी की जो लड़ाई है उसके बारे में एक एक तरह से मालूम होगा अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है और जिस तरह से मीडिया का सहयोग लेकर के जो तो पुरानी बातों को किसी को याद रख देंगे तो जितना चीज है तो नई पीढ़ी के लोगों को हम लोग कितना करवाए हैं बोलिए आप जाकर के देख लीजिए स्कूल में और सब जगह क्या क्या दिखा है बापू ने क्या कहा एक एक चीज हम लोग चारों तरफ लोगों को कहते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बापू का नाम भी लेता है जी आजादी की लड़ाई में हुआ अरे जी का नीचे कर लोगों बिहारी वाजपेयी जी तो थे वो ठीक करते थे अभी आ गया है ये तभी से कई साल से तो इनको एक राज्य में फिर यहाँ 9 साल से दसवां चल रहा है हिंदू का एक अलग तौर तरीका है ऐसा कभी बदलने की कोई कोशिश नहीं की गई है बदलना चाह रहे हैं इसलिए तो हम अलग हो गए और हम लोग लगाए हैं सब लोगों को इतना पुरानी चीजों को कोई भूल जाएगा तो नई पीढ़ी के लोगों को मालूम नहीं होगा वो आजादी की लड़ाई में रहा नहीं उसी को कहेगा कि ऐसा हुआ ना बिहार में कितना काम हम लोग किए अब आता है तो उसके पटिया वाला लोग कहता है देखो कितना अच्छा केंद्र का अरे केंद्र से हो रहा है कि हम ही लोग कर रहे हैं सब एक एक काम जो कर रहे हैं जो हम यहाँ शुरू किए बहुत चीज तो उसको अपना एडॉप्ट किए अपना नाम लेकर तो हम तो पैसा सब नहीं खुद न कर रहे भाई छोड़ दीजिए।